नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता फिर आज आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय लाई हूँ और वह चर्चा का विषय है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भारत में दुग्ध क्रांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है और इसका उद्देश्य है कि जो उन्नत नस्ल हैं भारत में उसको और भी आगे बढ़ाना है। थारपारकर, राठी आदि जो भी नस्ल हैं इनके सहयोग से भारत में अन्य उन्नत नस्ल का भी विकास करना है। इस योजना के तहत भारत में दुग्ध क्रांति को चौमुखी दिशा की ओर ले जाना है। इसी मिशन के तहत भारत में दुग्ध उत्पादकता और उसमें गुणवत्ता की वृद्धि के लिए भी कार्य किया जा रहा है। खास बात है कि यह योजना हमारे दुग्ध उद्योग को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए भी किया जा रहा है और आपको बताकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारा देश दुग्ध उत्पादन में एक आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो क्यों नहीं इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से हम अपने देश में एक नए स्टार्टअप को डेवलप करें, क्योंकि यदि दुग्ध उद्योग में स्टार्टअप को लाया जाएगा तो अवश्य ही हमारे जो भी दुग्ध विक्रेता भाई बंधु हैं उनकी एक आय सृजन की जो क्षमता है वो और भी उन्नत होगी। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर स्टार्टअप होता है वहीं पर विकास होता है, वहीं पर सुख समृद्धि होती है। तो क्यों नहीं हम सभी जो हमारे युवा वैज्ञानिक है दुग्ध क्रांति में एक वैज्ञानिक, एक तकनीक और एक आविष्कार करें ताकि भारत में दुग्ध उद्योग को एक नई दिशा मिले। इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।